हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के स्ट्रैटेजी को देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ऑफिस अटेंडेंट के लिए, कौन सा किताब आप पढ़ें कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेज रहे। 3 से 5 बजे के बीच में हमारे लाइव आते हैं, आप 3 सवा 3 में हमारा लाइव स्टार्ट होता है और 5 बजे तक चलता है, जिसमें लोग मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के क्लासेस लेते हैं, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के, और साथ ही साथ जीए के क्लासेस भी होते हैं। सभी क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के सिलेबस लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। द जनरल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट इज नोन एज रीजनिंग सेक्शन। जनरल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग सेक्शन बोलते हैं। द टॉपिक्स दैट यू विल बी आस्क्ड आर, कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे इसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एनालॉगी, जो कि नंबर बेस्ड होता है, नंबर बेस्ड, लेटर बेस्ड या मीनिंग बेस्ड होता है। वेटेज कितना रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे, इजी रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेगा और ये बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड रिलेशंस। क्वेश्चन टाइप्स रहेगा जनरल ब्लड रिलेशंस प्रॉब्लम्स रहेंगे, कोडेड ब्लड रिलेशंस रहेंगे और फैमिली ट्री रहेंगे। वेटेज आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है आपके ब्लड रिलेशन से। क्लासिफिकेशन का अगर बात करें दोस्तों, तो क्लासिफिकेशन में टाइप जो रहेगा लेटर बेस्ड रहेगा, जनरल नॉलेज बेस्ड रहेगा, मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड रहेगा एक्सेट्रा। वेटेज का अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपका वेटेज है। ठीक है, ये भी आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इजी है और डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेगा। चौथा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपका सीरीज है। टाइप्स देखिएगा ना, तो नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चंस आते हैं, अल्फाबेट सीरीज से आते हैं, मिक्स सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वेटेज का बात करें 1 क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से। लेवल का बात करें क्वेश्चंस कैन बी ट्रिकी एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, सिलोजिज्म्स का बात करें फ्रेंड, तो सिलोजिज्म देखिए क्या होता है, आपका लॉजिकल वेन डायग्राम पे आधारित रहेगा, वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड सिलोजिज्म रहेगा। वेटेज अगर बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे, इजी टू मॉडरेट, कैन बी अ बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है, लेकिन आपका मिला जुला के इजी टू मॉडरेट पूछेगा, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसलिए सिलोजिज्म पे ध्यान ज़्यादा देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कोडिंग डिकोडिंग का, तो कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ 0 से 1 लिखा है, लेकिन मे बी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि 3 से 5 भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी आपको गौर करना है। लेवल क्या होगा, बेस्ड ऑन लेटर नंबर रहेगा, लेटर शिफ्टिंग रहेगा, कोडिंग बाय एनालॉगी रहेगा। एक्यूरेसी मॉडरेटली पॉसिबल होगा, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। सातवां नंबर टॉपिक जो है आपसे पूछा जाएगा, ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है, सर्कुलर और लीनियर पजल का सवाल है, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल पजल्स है, क्लॉक एंड कैलेंडर के सवाल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। वेटेज अगर बात करें ऑर्डर एंड रैंकिंग का, जैसे ऑर्डर रैंकिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ राम, राम जो है ऊपर से 4th स्थान पे और श्याम जो है नीचे से आपके 5वें स्थान पे, अगर दोनों अगर आपस में जगह को एक्सचेंज कर ले तो श्याम जो है ऊपर से 20वें स्थान पे हो जाता है, कुल कितने छात्र हैं, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको देखना है, समझना है। लॉजिकल पजल्स रहेगा, कैन बी ट्रिकी, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि 8वां नंबर टॉपिक है, वर्बल रीजनिंग का सवाल है। टाइप्स अगर बात करें तो स्टेटमेंट्स और अजम्पशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजंस या वेटेज, 2 क्वेश्चंस वेटेज है। लेवल का अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपके आते हैं, लेवल मॉडरेटली टाइम कंज्यूमिंग होता है। टॉपिक नंबर 9 क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज आपका 1 से 2 क्वेश्चंस है, लेवल जो है आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ठीक है, टॉपिक 10वां क्या है, अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स होता है, जिसमें आपका मिक्स सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं। डिक्शनरी आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको कुछ दे देगा वर्ड, रीड दे दिया, रेस्ट दे दिया, कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, रैंडम दे दिया, आपको बैठाना होगा कि पहले कौन सा आएगा, मान लीजिए 1 2 3 दे दिया है, आपको यहाँ बैठाना है डिक्शनरी के अनुसार, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अक्षर डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा, अगर ऐसे बैठाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, रैंडम आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा, उसके बाद अगर कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा आएगा, 1 आएगा, क्या आर ई कॉमन है, ए आपका आ रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3 1 2 आपका हो जाएगा। वेटेज का अगर बात करेंगे 3 से 5 क्वेश्चन आपका वेटेज है आपके इस एग्जाम में। ठीक है, लेवल का बात करें क्वेश्चन विल बी मॉडरेट लेवल, इजी, एक्यूरेसी अटेनेबल होगा। ठीक है, 11 नंबर पे देखते हैं मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज के सवाल भी इसमें आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन मैंने सेट में लाया है, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर इनइक्वालिटीज मुझे समझ में नहीं आया, तो स्पेशल वीडियो इस पर बना दूंगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आएगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट मैक्सिमम एक्यूरेसी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे, 12 नंबर टॉपिक पे चलें तो देखिए इनपुट आउटपुट के सवाल आ सकते हैं, 0 से 3 क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, कोड इनइक्वालिटीज का अगर बात करें तो कोड इनइक्वालिटीज से आपके 0 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है,
मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, लेस टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ठीक है। तो 0 से 3 क्वेश्चंस आपके कोडेड इनइक्वालिटीज में आ सकते हैं। 14 नंबर अगर बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट का अगर बात करें तो सर्कुलर अरेंजमेंट, इन डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, लीनियर अरेंजमेंट, सिंगल रो और फ्लोर बेस्ड एक्सेट्रा आता है। वेटेज का अगर बात किया जाए 3 से 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे। लेवल आपका ईजी डायरेक्ट क्वेश्चंस, लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, एक चैप्टर आपका डबल लाइन अप, 0 से 5 क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आपको देख लेना है, लेकिन इजी टू मॉडरेट। पहले जिसमें से एकदम कंफर्म है ना, 2 से 5 क्वेश्चन जिसमें भी लिखा हुआ है, या 2 से 3 क्वेश्चन, या एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन कंफर्म है, उसे जरूर देख लीजिएगा। जैसे सिलोजिज्म से मैंने बताया आपकी कंफर्म है क्वेश्चन रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से भी चांसेस रहता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सब टॉपिक को आपको देख लेना है, एनालॉजी को देख लेना है, ओके। रिलेशन से क्वेश्चन रहते हैं कंफर्म। शेड्यूलिंग का अगर बात करें तो वेटेज जो आपका है 0 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है शेड्यूलिंग का, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा। मैक्सिमम एक्यूरेसी पॉसिबल, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा लाया जा सकता है। 17 नंबर बात करें तो डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चन आपके आएंगे, आपको देखना है डेटा सफिशेंसी, ठीक है। इसमें भी आपके 0 to 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बताने वाला है बेस्ट बुक कौन से होगा प्रिपरेशन करने के लिए। अगर इसका बात करें तो बेस्ट बुक जो है आपका वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा, जो कि RSSL का आता है, ठीक है, इसे आप बना सकते हैं। फिर क्या है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल आ सकते हैं, जो कि AK गुप्ता और RPH पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश रहता है, ठीक है, ये बेस्ट बुक है आपका। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं 3 बजे से लाइव आता हूँ डेली 3:15 से, उसमें तो आप जुड़ सकते ही हैं। साथ ही साथ अगर आपको क्लास करना है, आपको किताब खरीदना है, तो इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसे जरूर जाके बनाइए, बहुत ही अच्छी जानकारी है, उसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ाई कीजिए, कैसे आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से फिक्स क्वेश्चंस आएंगे। आप कोडिंग डिकोडिंग को भी देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ऐसे ऐसे चैप्टर्स को आप ज़्यादा पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिसमें से आपके 20 नंबर तक तो फिक्स हो जाएँ, फिर उसके बाद आगे सोचेंगे कि आगे और किस चैप्टर को पढ़ना है। तो उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा ना, थोड़ा टाइम आपके पास कम है, तो आपको क्या करना होगा ना, स्मार्ट स्टडी करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करना, एग्ज़ाम को निकालना और जॉब करना, तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत लेस है। डिटेल में अगर डिस्क्रिप्टिव में पूरा टोटल स्टार्टिंग से पढ़िएगा ना, तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा 1 महीना के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन आप दबा दीजिए, कि आपको इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। और 3:15 बजे मैंने जैसा कि बताया कि लाइव क्लासेस आपका होता है, आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के, आप उसमें जुड़ सकते हैं, जो कि 4:30 बजे तक चलता है। और फिर 4:30 के बाद आपका 4:45 से आपका GA का स्टार्ट होता है, GA का क्लासेस स्टार्ट होता है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।